हेलो फ्रेंड्स, KP29 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वडोदरा और सूरत के पास में आए हुए तीन ऐसे स्पॉट जहां पे आप आसानी से घूमने के लिए आ सकते हो। तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे हमारे जो लिस्ट में आता है, सबसे पहला है वो है जरवानी इको टूरिज़म। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल पास में आया हुआ ये इको टूरिज़म बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक सुंदर सी नदी है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और बड़े बड़े पहाड़ है, मानो कि जैसे कोई हिल स्टेशन पे आ गए हो। और ये स्पॉट की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का वाटरफॉल। तो आप जैसे ये पहाड़ों से नीचे की साइड आएंगे तो आपको एक वाटरफॉल दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो ये है हमारा वाटरफॉल। तो चलते हैं हमारे दूसरे स्पॉट पे, केवडी इको टूरिज्म। जिन लोगों को भी कैंपिंग करने का बहुत शौक है तो उनके लिए ये जगह बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे टेंट आपको भरे से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी टेंट की वैरायटी है, आपको जैसा भी टेंट आपके हिसाब से चाहिएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपके बजट में फिट हो जाएगा। यहाँ पे ये टेंट जो है वो ट्री हाउस है, जो लकड़ियों के ऊपर बनाया हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो तो बहुत सारे यहाँ पे टेंट है, तो जिसको भी कैंपिंग करना हो तो ये सबसे अच्छा स्पॉट है कैंपिंग के लिए। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे खेलने कूदने के लिए झूला वगैरह सब बनाया हुआ है। तो चलते हैं हम हमारे तीसरे स्पॉट पे। तो हमारा तीसरा स्पॉट है, उसका जो नाम है वो है मडान हिल स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत है और मेरा पर्सनली ये फेवरेट है। पूरा जो एरिया है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ के बीच में से एक नदी आती है और नदी के बीच में छोटे छोटे टापू है। तो उस टापू पे आप बोट की मदद से यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप बारिश के सीज़न में आइए, बारिश के सीज़न में आओगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कश्मीर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कश्मीर के जैसा ही ये प्लेस है। तो जब भी आप यहाँ आने का प्लान बनाइए और आइए, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे। तो यही थे दोस्तों हमारे वो तीन प्लेसेस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्द हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।